दोस्तों ये है भाई किले का झूल, जिसमें माता रानी जी नवरात्रि के लास्ट के दिन विसर्जन के दिन झूलती है। दोस्तों देख सकते हो नुकीले नुकीले भाई किले हैं। यहाँ पे देवी सवार हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो और झूप रहे हैं देवी जी। और दोस्तों देख सकते हो कुंवारी माता जी को कैसे लेटी हुई है। दोस्तों अगर आप लोग आते हो तो सेवा भी कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से पैर हाथ दबा के। भक्तों ये है कुंवारी माता का नया घर। ये घर दोस्तों बहुत बड़ी है, जो कि अभी नया नया बन रही है, ठीक है। और इसमें दोस्तों प्लास्टर नहीं हुई है। घर के जस्ट बाहर में दोस्तों आपको नारियल दुकान मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ से नारियल खरीद कर आप लोग अंदर चढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये है ज्योति कलश रूम। दोस्तों जैसे आप लोग घर के अंदर प्रवेश करोगे दोस्तों, तो बगल में आप लोग को ये रूम मिलेगा, आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों। दोस्तों भक्तों आप लोग अगर यहाँ पे जोत जवारा जलाना चाहते हो तो कुछ रुपए देकर यहाँ पे जोत जवारा जला सकते हो कुंवारी माता के यहाँ। कुंवारी माता दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो अनजल त्याग कर पूरे 9 दिन तक ऐसी रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अटूट सच्ची दोस्तों आप लोग किले के पलंग में हो भी, और यहाँ पे चल रही है सेवा, तो देख सकते हो कुछ माताएं दोस्तों झुक रही है, साक्षात माँ काली आ गए हैं। दोस्तों जिसमें माता आई थी उसको अभी भाई पूजा पाठ करवा रहे हैं, ठीक है। यह है मैं दोस्तों कुंवारी माता का किले का झूला, आप लोग देख सकते हो नुकीले नुकीले किले से बनी यह झूला। और इधर दोस्तों मंदिर है, आप लोग देख सकते हो जहाँ पे कुंवारी माता जी 9 दिन तक ज्योति कलश लिए लेटी हुई है ना। और यह किला दोस्तों जबरदस्त टाइप से भाई नुकीले नुकीले लास्ट दिन दोस्तों आप लोग को अद्भुत शक्ति देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हर रोज हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है दोस्तों, कोई सेवा गीत गाता है तो कोई अन्य गीत गाता है, कोई माता रानी का सेवा करते हैं दोस्तों, उसके पैर और हाथ दबाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग आकर माता रानी का पैर हाथ दबा सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों एक बालिका जो है माता रानी जी का सेवा कर रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं दोस्तों, और उसके हाथ भी दबा सकते हो दोस्तों पैर हाथ। इस प्रकार से आप लोग सेवा कर सकते हो कुंवारी माता जी का, जो 9 दिन तक दोस्तों इस प्रकार से ज्योति कलश लिए लेटे रहती है। और बहुत भक्त आते हैं दोस्तों माता रानी का इस प्रकार से सेवा करते हुए आप लोग को दिख जाएंगे, ठीक है। कोई उसका पैर दबाएंगे तो कोई उसके सर दबाएंगे, इस प्रकार से दोस्तों हजारों भक्त आते हैं और माता रानी जी का सेवा करते हैं। दोस्तों आप लोग भी आइए कातरो दुर्ग जिला। जय माता दी।